लेटेस्ट फॉर्म ऑफ वॉरफेयर है, विच इज लॉफेयर, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास किया जिसके तहत सारे कश्मीरी जो थे उनको एक ही लम्हे के अंदर एक स्ट्रोक से उन्होंने अपने ही वतन पे अपनी मिट्टी के ऊपर रेफ्यूजी बना दिया और एब्रोगेट किया आर्टिकल 370 और 35A, फिर उसको अपने पार्लियामेंट में भी वो लेके गए है। तो उस दिन से लेकर अब तक हम जो भी सर्कमस्टांसेस देख रहे हैं, और खासतौर पर 2014 के बाद 10 साल हो गए जो ये अब इस वक्त इलेक्शंस कंडक्ट किए जा रहे हैं, और ये वो इलेक्शंस हैं मकबूजा कश्मीर में जो कि एब्रोगेशन के बाद हैं, जिसके बाद 5 अगस्त से लेकर अब तक जो 5 साल गुजरे हैं उसके अंदर हमने देखा है डिस्प्यूटेड टेरिटरी के अंदर ऑलमोस्ट 50 लाख इंडियंस को यहाँ पे डोमिसाइल इशू किए गए इन 5 सालों के अंदर। और इस वक्त अगर हम पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स को देखें तो ऑलमोस्ट अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक 50 लाख और अगर 1-2 सालों के अंदर ये वहाँ पे अगर डिप्लॉय कर देंगे इंडियन पब्लिक को, तो उसके बाद ये एक मेजॉरिटी में तब्दील हो जाएंगे। और जो कश्मीरी हैं, जिनका वतन है, जो वहाँ की जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं अपनी हक़ खुद अरादियत के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, वो वहाँ पे एक माइनॉरिटी में तब्दील हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा एक लिटमस टेस्ट था ये इलेक्शन 5 अगस्त के बाद, जो कि हमने पहले भी सब कश्मीरी क़यादत ने भी हम सब ने जो एनालाइज किया था कि इसके अंदर दुनिया को दिखाया जाएगा कि बहुत ज़्यादा सो कॉल्ड वोटर टर्नआउट है, और ये वो वोटर टर्नआउट है जो कि घोस्ट वोटर्स हैं, जो कि इंडियन वोटर्स हैं, और ये वो इंडियन वोटर्स हैं जिनको ये ज़रूरत भी नहीं है कि वो मकबूजा कश्मीर में आके पोलिंग बूथ्स के सामने खड़े होके जो है वो वोट करें। वो अपने इलाकों में जहाँ जहाँ वो हैं इंडिया के अंदर, वो वहीं से वोट करने की इंडिया ने उनको इजाज़त दी है। और फिर दूसरी जो बात ये है कि यूनियन टेरिटरी में इसको तब्दील किया गया, डीलिमिटेशन की गई, डीलिमिटेशन के तहत और भी ज़्यादा सीट्स अलॉट की गई हिंदुओं को, चाहे वो जम्मू के अंदर है, चाहे वो श्रीनगर के अंदर उनको अलॉट करना। तो ओवरऑल जितना भी दिल्ली का कंट्रोल है, जो पहले तो आप सब जानते हैं, हम सब का बचपन गुजरा है, टीवी पे भी आप लोगों ने देखा होगा कि हर वक्त वहाँ पे हिंदुस्तान की आर्मी दहशतगर्दी करती है, ड्रैकोनियन लॉज जिसमें पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, ऊपा है, टाडा है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है, और भी बहुत से ब्लैक लॉज हैं, ड्रैकोनियन लॉज हैं जिसके तहत कश्मीरियों को कत्ल करने की कंप्लीट इम्यूनिटी है इंडियन फोर्सेस को, कि वो उनको कुछ भी उनके साथ कर लें, उनको डक करें, उनको रेप करें, उनको उनको टॉर्चर करें, उनको उनको किडनैप करें, उनको मर्डर कर दें, मगर इंडियन फोर्सेस को कोई भी उनको पनिश नहीं किया जा सकता, उनको प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता, उनको अकाउंटेबल नहीं किया जा सकता। तो पहले तो वो 10 लाख फौज थी जो हर कुछ अरसे के बाद बढ़ाई जाती थी ओवर द डेकेड्स, मगर अब उस फौज के साथ उन्होंने अपनी आवाम को भी वहाँ पे एज पब्लिक ऑक्यूपायर जो है इंडियन पब्लिक वो वहाँ पे सेटल हो रही है, चाहे उनकी पंडितों की कॉलोनीज बनाई जा रही हैं, चाहे उनकी सैनिक कॉलोनीज, चाहे उनकी इंडस्ट्रियल जोन्स बनाई जा रही हैं, इंडियन बिजनेसमैन को ऑक्शन कराई जा रही है मकबूजा कश्मीर की ज़मीन, चाहे वो किसी भी सूरत में रिटायर्ड आर्मी पर्सनल्स और उनकी फैमिलीज को वहाँ पे जो है हर तरह के राइट्स दिए जा रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिक राइट्स हों, चाहे वो रिलीजियस राइट्स हों, चाहे वो पॉलिटिकल राइट्स हों, चाहे वो एजुकेशनल राइट्स हों, चाहे हमारी इकोनॉमिक इंडस्ट्री जो हमारी है वहाँ पे जिसमें टूरिज्म है, जिसके अंदर हॉर्टिकल्चर है, जिसके अंदर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, उसकी भी है जमीनी कंट्रोल, मतलब हर लिहाज से नॉट जस्ट मिलिटरीली कश्मीर को जिस तरीके से हाईजैक किया जा रहा है, सबसे बढ़ के कि सारी की सारी जो आपकी क़यादत है, हमारी हुर्रियत की क़यादत है, उनको जेलों के अंदर बंद किया हुआ है, उनके खिलाफ कॉन्कॉक्टेड जो फ्रिवलस केसेस किए गए हैं जिसके तहत उनको जेलों में बंद करके उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, ख़ासतौर पर इस वक्त अशरफ सराई साहब जो शहीद हो गए, जो सक्सेसर थे सईद अली गिलानी साहब के, उनको जहर दिया गया जम्मू जेल के अंदर 5 अगस्त के बाद। फिर उसके बाद बहुत से और भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर
शेख को मारा गया, मर्डर किया गया, और अभी इस वक्त तिहाड़ जेल के अंदर आसिया जाफी साहिबा बहुत करीब हैं, वो भी वहाँ पर हैं, फैमिदा सूफी साहिबा, फिर उसके साथ साथ शबीर शाह साहब वो भी तिहाड़ जेल के अंदर हैं, फिर मुसरत आलम साहब और बहुत सी उनकी जो जेल्स हैं, और यासीन साहब का भी केस आपके सामने, जो लीगल फ्रटर्निटी है पाकिस्तान की, उन्होंने उनका केस बहुत ही उसको स्टडी किया हुआ है कि जिस तरीके से यकतरफा उनके खिलाफ फैसले किए गए, ना उनका लॉयर की इजाज़त थी, उनका फांसी का केस चल रहा है पिछले दो सालों से, ना उनको पेश किया गया, ऑनलाइन भी अगर पेश किया गया तो उनको म्यूट कर दिया गया जब जज के सामने उनको पेश किया जाता था। तो दूसरी बात यह है कि एविडेंसेस रिकॉर्ड जो होती हैं उसके अंदर भी उनको नहीं बुलाया गया और फैमिली से मिलने की इजाज़त नहीं है। अब 10 साल हो गए हमने उनसे हमारी मुलाकात नहीं हुई यासीन साहब से, और 5 साल से ये राइट है क्योंकि आप माशाल्लाह लॉयर्स हैं, आप सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड हैं लीगल लेंस के मुताबिक, तो आपको दुनिया में कोई बड़े से बड़ा भी किसी को सजा मिली हो, कोई दहशतगर्द हो, जो भी हो, मगर ये बेसिक फंडामेंटल राइट्स होते हैं कि आपको एक लॉयर इजाज़त होती है या आपको अपनी फैमिली से मिलने की या उनके। इस्लामाबाद में कश्मीरी रहनुमा मिशाल मलिक तकरीब से खिताब कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हम कश्मीरियों के साथ हैं, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की शदीद खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं।